Hello students, good afternoon to all of you. I, Anupama, welcome you all at the Sami classes. And I welcome you all here for the preparation of NTA NET UGC. जिसमें हम English subject की preparation कर रहे हैं with the help of these MCQ series. So I hope you are prepared for today. So let's start with today's session, and it's our lecture number 9 today. Are you all getting my audio and the video? If anybody can just send me a message. Yes, so before moving on to the question series, first of all, what you have to do is इस वीडियो को लाइक जरूर करें, सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें सो दैट दे कैन आल्सो अवेल द बेनिफिट. और सावी क्लासेस का यूट्यूब चैनल जरूर जो है सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशंस है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे. और बच्चे एक चीज और कि हमारा लेक्चर जो है ये हर रोज का 12:15 बजे का जो है फिक्स है. ठीक है, द लेक्चर इज फिक्स्ड फॉर एवरी डे एट 12:15 PM, राइट? तो अगर आपको जो है कोई बच्चे जो हमारे पहले वाले ग्रुप्स में हैं, अगर लिंक मिलता है नहीं मिलता है तो डजंट मैटर, बट आप 12:15 बजे ये चैनल हमारा जरूर खोल के बैठ जाइए और आप ये वीडियो जरूर जो है अटेंड कीजिए. ऑल राइट, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. अगेन आई एम कमिंग विद क्वेश्चंस फ्रॉम एज ऑफ रिवाइवल ओनली. ठीक है, तो उसी में से क्वेश्चंस हैं. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू अगेन. ऑल राइट, सो यस, द क्वेश्चन नंबर 1 इज सरी इज नोटेड फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ दांतेज वर्क्स, ट्रांसलेशन ऑफ 2 बुक्स ऑफ वर्जिल इन स्ट्रेंज मीटर, ट्रांसलेशन ऑफ होमर्स वर्क्स और ट्रांसलेशन ऑफ चौसर्स वर्क्स. सरे को बेसिकली किसके लिए जाना जाता है? ओके सिमरन, दैट्स सो गुड ऑफ यू बच्चे. हां जी, सो ही ट्रांसलेटेड, ही इज नोन फॉर ट्रांसलेशन ऑफ 2 बुक्स ऑफ वर्जिल इन स्ट्रेंज मीटर. ठीक है, वर्जिल के जो है 2 बुक्स को सर्रे ने जो है ट्रांसलेट करा था और एक स्ट्रेंज मीटर में ट्रांसलेट करा था. ठीक है, वर्जिल का एनेड तो ट्रांसलेट करा था, ठीक है, सर्रे ने, और जो है एक और जो है बुक जो है सर्रे ने ट्रांसलेट करी थी वर्जिल की, एंड दैट इज, कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी एनेड के अलावा सर्रे ने वर्जिल की और कौन सी बुक जो है ट्रांसलेट करी थी? एक तो एनेड जो वर्जिल का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है जी, उसके अलावा कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी व्हिच बुक वाज ट्रांसलेटेड? कैन आई गिव दिस टू यू एज अ होमवर्क सो दैट आई कैन ऐड इट इन द नेक्स्ट सीरीज? चलो ये होमवर्क रहा आपका. ठीक है, ओके, देन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. नेम द ब्रिटिश पोएट हु वाज सक्सेसर ऑफ चौसर बट प्रीडिसेसर ऑफ स्पेंसर. हां जी, रॉबर्ट हेनरीसन, विलियम डनबर, जेम्स वन ऑफ स्कॉटलैंड और क्रिसीड. सक्सेसर ऑफ चौसर बट प्रीडिसेसर ऑफ क्रिसीड, ओ सॉरी स्पेंसर. गुड आफ्टरनून हरप्रीत, हेलो सपना एंड सोनिया. हां जी, यस, वेरी राइट, इट इज निर्मल, वेरी गुड बच्चे, इट्स विलियम डनबर. ही वॉज द सक्सेसर ऑफ चौसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ स्पेंसर. वेरी राइट सपना. ऑल राइट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. सोनिया यू आर ऑल्सो करेक्ट बच्चे. विच कल्चर वॉज एट इट्स हाइट व्हेन द रिवाइवल ऑफ लर्निंग स्टार्टेड?
जब रिवाइवल ऑफ लर्निंग या एज ऑफ रिवाइवल जिसको हम कह देते हैं वो शुरू हुई थी, तो कौन सा कल्चर जो था वॉज एट इट्स हाइट? एफ्रीकन, एशियन, ऑस्ट्रेलियन और यूरोपियन? गुड आफ्टरनून अशीना. हाँ जी, विच कल्चर वॉज एट इट्स हाइट वेन द रिवाइवल ऑफ लर्निंग स्टार्टेड? यस, वेरी गुड, इट इज यूरोपियन. और अगर उसमें से भी हम स्पेसिफिक चले जाए ना, तो इट इज ग्रीक कल्चर. ठीक है, अगर हम बहुत ही स्पेसिफिक हो जाए तो इट विल बी ग्रीक कल्चर, क्योंकि रेनेसा भी अगर हम उसकी बात करते हैं तो उस वो भी शुरू हुआ बेसिकली यूरोप में, है ना, फ्रांस में, इटली में. ठीक है, तो रिवाइवल ऑफ लर्निंग भी हुआ तो सबसे जो हाइट पे जो कल्चर था दैट वॉज ग्रीक कल्चर, जो कि यूरोप में आ जाता है. ऑल राइट, चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. जॉन हेवुड इज पॉपुलरली नोन फॉर राइटिंग डैश ड्यूरिंग द एज ऑफ रिवाइवल. किस तरह के वर्क्स लिखने के लिए जाने जाते हैं जॉन हेवुड? मोरालिटी प्लेज, मिरेकल प्लेज, मिस्ट्री प्लेज और इंटरल्यूड्स? वट काइंड ऑफ वर्क्स, वट काइंड ऑफ यानर ही इज लाइक नोन टू बी इन्वॉल्व्ड इन? वेरी राइट आशिना, ही रोट इंटरल्यूड्स. यस, जो इन्होंने लिखा था एक इनका बहुत ही फेमस द फोर पीस. ठीक है, ये इनके वर्क का नाम था, इनके इंटरल्यूड का नाम था द फोर पीस. एब्सोल्यूटली राइट आशिना इज राइट, सपना इज राइट. ठीक है जी, इंटरल्यूड्स लिखने के लिए जाने जाते थे हेवुड, याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. यस, ओके, वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. Which of these is the only poem of Thomas Watt which got published during his lifetime? Thomas Watt ki ek lauti poem jo unke zinda rehte hue publish hui thi. Defense, The Court of Venus, Certain Psalms, The Court of Aphrodite. Hanji, which is the only poem of Thomas Watt which got published during his lifetime? If you have read, aapko ye baat pata hoga. Nahi bacche, ए नेट दी प्रेपरेशन ली है, यूजीसी नेट दी प्रेपरेशन ली है सुख सिंह. सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. निर्मल, आशिना, सोनिया, सपना, सिमरन, हरप्रीत, हरियाप, आई नो यू कैन गिव मी द आंसर. द ओनली पोयम ऑफ थॉमस वॉट, इट वॉज द कोर्ट ऑफ वीनस. यू ऑल आर टेकिंग टाइम, इट मीन्स मे बी यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट. द कोर्ट ऑफ वीनस, only poem of Thomas Watt. All right, oh very good Nirmal, that's brilliant of you. Chaliye, question number 6. To whom did Desiderius Erasmus, greatest figure in the Northern Renaissance, hum pad chuke hain unke bare mein, referred to as the incomparable light and glory of English letters? Erasmus ne kisko ye bola that he is the incomparable light and glory of English letters? John Skeleton, Thomas Watt, Henry Howard or Roger Ascham? Yes, greatest figure in the Northern Renaissance. That is John Skeleton. John Skeleton. ये बात Erasmus ने John Skeleton के लिए बोली थी. हम मानते हैं कि Roger Ascham का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, हमने कल करा है क्वेश्चन, लेकिन Erasmus ने ये बात जॉन स्केलेटन के बारे में बोली थी. ठीक है जी, याद रखिएगा. ओके, देन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. हु वाज आल्सो रेफर्ड टू एज द चौसर ऑफ स्कॉटलैंड? जेम्स वन ऑफ स्कॉटलैंड, विलियम डनबर, गवेन डगलस और जॉन स्केलेटन? हाँ जी, योर आंसर इज एब्सोल्यूटली राइट सपना. चौसर ऑफ स्कॉटलैंड किसको बोला जाता था? जेम्स वन ऑफ स्कॉटलैंड, विलियम डनबर, गवेन डगलस और जॉन स्केलेटन? दिस टाइम इट इज एन इजी क्वेश्चन, दिस इज एन इजी क्वेश्चन. वेरी राइट, इट इज विलियम डनबर. एब्सोल्यूटली राइट हरप्रीत. यस, इट्स विलियम डनबर. सिमरन राइट, नवीन इज ऑल्सो राइट, विलियम डनबर. ऑल राइट, चलिए. Then we move on to Scottish Chaucerian. कल हमने पढ़ा भी था ना William Dunbar, Scottish Chaucerian भी बोला जाता था उसको, है ना? चलिए कोई बात नहीं. Which book is called the true prologue of the Renaissance?
प्रोलोग, प्रोलोग मीन्स इंट्रोडक्शन, किस बुक को जो है एक तरह से रिनेसेंस पीरियड की इंट्रोडक्शन माना जाता था? यूटोपिया, कॉलिन क्लाउड, ब्यूटी एंड द प्रिजनर और द कैंटरबरी टेल्स? ट्रू प्रोलोग, इंट्रोडक्शन। राइट निर्मल एंड सिमरन, एब्सोल्यूटली राइट बच्चे, यस। थॉमस मोरे का यूटोपिया, थॉमस मोरे का यूटोपिया, ठीक है। थॉमस मोरेज यूटोपिया वॉज कॉल्ड द प्रोलोग, इंट्रोडक्शन। देखो प्रोलोग वर्ड को मैंने आपके लिए जो है उसका सिनोनिम दे दिया, सो दैट इट हेल्प्स यू टू गेस, ठीक है। यस सोनिया, एब्सोल्यूटली राइट बच्चे, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। दिस राइटर इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ इंग्लैंड अर्लिएस्ट बायोग्राफर्स। हाँ जी, किस राइटर को जो है इंग्लैंड के अर्लिएस्ट बायोग्राफर, वन ऑफ द अर्लिएस्ट बायोग्राफर माना जाता है? जॉन लिडगेट, थॉमस ऑकलीव, स्टीफन हॉज और जॉफरी चौसर? वन ऑफ इंग्लैंड अर्लिएस्ट बायोग्राफर्स दैट इज थॉमस ऑकलीव। ऑल राइट, थॉमस ऑकलीव को जो है इंग्लैंड के अर्लिएस्ट बायोग्राफर माना जाता है। एब्सोल्यूटली हरप्रीत राइट बच्चे, बिल्कुल सही, वेरी गुड। ओके लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। इन विच ईयर द ग्रेट बाइबल, फर्स्ट ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल बीइंग ऑथराइज्ड बाय किंग हेनरी 8 केम इनटू बीइंग? ग्रेट बाइबल जिसको फर्स्ट ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल माना जाता है, किंग हेनरी 8 ने जिसको ऑथराइज करा था, दैट इट इज रेडी एंड इट इज लाइक एवरीवन कैन रीड इट, राइट। सो व्हेन इट केम इनटू बीइंग, किस साल में? 1536, 37, 38 और 39? इन विच ईयर द ग्रेट बाइबल केम इनटू बीइंग, ग्रेट बाइबल जिसको बोला जाता है? यू वर वेरी क्लोज सिमरन, इट्स 1539, 1539। ऑल राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ दीज इज द रिवाइज्ड वर्जन ऑफ द ग्रेट बाइबल? देखो कितने सारे बाइबल को ट्रांसलेट किया जा रहा था, कहीं पे न्यू टेस्टामेंट को ट्रांसलेट कर रहे थे, है ना, तो बड़ा सारा कुछ। तो ग्रेट बाइबल को जो फर्स्ट ऑथराइज्ड वर्जन था उसको फिर से रिवाइज करा गया, उसका नाम क्या था? वाइक्लिफ्स बाइबल, बिशप्स बाइबल, टिंडेल्स बाइबल और कवरडेल्स बाइबल? यस, रिवाइज्ड वर्जन ऑफ द ग्रेट बाइबल, व्हाट वाज इट कॉल्ड? इट वाज कॉल्ड बिशप्स बाइबल, राइट, इट वाज कॉल्ड बिशप्स बाइबल, बिशप्स बाइबल बोला जाता था बच्चे उसको, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। हु रोट द फर्स्ट फर्स्ट सेकुलर मोरालिटी प्ले, ठीक है, इन इंग्लिश? फर्स्ट सेकुलर मोरालिटी प्ले इन इंग्लिश, मैग्निफिसेंस, अ पोलिटिकल सटायर, किसका वर्क था ये? थॉमस नॉटन, निकोलस उडाल, थॉमस सेक्विल और जॉन स्केलेटन? हाँ जी, फर्स्ट सेक्युलर मोरालिटी प्ले हूज वर्क वॉज इट? इट वॉज जॉन स्केलेटन, मैग्निफिसेंस जॉन स्केलेटन का वर्क था बच्चे, जिसको इंग्लिश में लिखा हुआ फर्स्ट मोरालिटी प्ले बोला जाता है। ऑल राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। इन विच ईयर डिड द किंग जेम्स बाइबल? अब देखो मैंने आपको बाइबल से रिलेटेड, मैंने आपको पहले भी बोला था कि एक दो क्वेश्चंस होते ही होते हैं एंड इनमें से कोई ना कोई आपको आपके एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। एक किंग जेम्स बाइबल भी, ठीक है, उसका वर्जन भी जो है इट अपियर्ड, विच वॉज ट्रांसलेटेड बाय 47 स्कॉलर्स, और वो किसी स्पेसिफिक जो स्कॉलर ने नहीं ट्रांसलेट करी थी, 47 स्कॉलर्स ने मिलके ट्रांसलेट करी थी। किंग जेम्स वन ऑफ स्कॉटलैंड उस टाइम पे राज कर रहे थे इंग्लैंड में, ठीक है, किंग जेम्स वन, जिन्होंने 1603 से 1625 तक राज करा, जिसके जिनके अंडर जो है जकोबियन एज
ठीक है, उस एज को एलिजाबेथन एज का पार्ट भी बोल दिया जाता है और अलग से जिकोबियन एज भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो किंग जेम्स वन ऑफ स्कॉटलैंड के टाइम पे ये अपियर हुई थी। इट वॉज 1611। सिमरन एब्सोल्युटली राइट, आशना इज राइट, सोनिया इज राइट, वेरी वेरी गुड बच्चे, 1611, वेरी वेरी गुड। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। इन विच ईयर ली मॉट डी आर्थर बाय थॉमस मेलरी, जो कि किंग आर्थर के एक्सप्लॉइट्स के बारे में था, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, किस साल में जो है पब्लिश हुआ था, 1480, 85, 90 और 95। हाँ जी, किस ईयर में पब्लिश हुआ था ली मॉट डी आर्थर, जो कि थॉमस मेलरी का सबसे फेमस वर्क माना जाता है, विच वॉज अबाउट द एक्सप्लॉइट्स ऑफ किंग आर्थर। Yes, it was published in 1485. Brilliant of you, Harpreet, Simran and Sapna, Sonia, अरे वाह, मजा आ गया। चलिए, question number 15. What is the division of Henry Howard of Earl or Earl of Surrey's sonnet? Henry Howard अपनी sonnet को, Simran आप अपने YouTube की quality increase करो बच्चे। आपको आपके स्क्रीन पे, जब आप स्क्रीन पे एक बार टच करोगे तो देयर आर थ्री डॉट्स ऑन द राइट साइड ऑफ योर स्क्रीन, वहां पे उन थ्री डॉट्स को टच करो, वहां पे क्वालिटी आ जाएगा। ठीक है, तो क्वालिटी इंक्रीज करो अपने स्क्रीन की, 360 पिक्सल्स और 480 पिक्सल्स एंड देन इट विल बी क्लियर टू यू। राइट, चलिए, व्हाट इज द डिविजन ऑफ हेनरी हार्वर्ड और अर्ल ऑफ सर्रे सोनेट्स? थ्री क्वाट्रेन्स एंड अ कपलेट, एन ऑक्टेव एंड अ सेस्टेट, three quatrains and a sestet, an octave and a couplet. Yes, absolutely right. It is three quatrains and a couplet. बिल्कुल सही आंसर हरप्रीत, बिल्कुल सही बच्चे, three quatrains. ठीक है, quatrains means 4 into 3, ठीक है, तीन paragraphs, चार चार लाइनों के, 12 and then a couplet, two lines. Right, very good Sonia, you are also right bache, brilliant. Moving on to question number 16. Which book attacked the indulgence system, insisting that Pope had no authority over purgatory and that the doctrine of the merits of saints has no foundation in the gospel? Ki jo पोप के हाथ में कोई अथॉरिटी नहीं है लोगों को उन पर्ज करने की, ठीक है, जैसे हमारे जो है बिलीव करते हैं गंगा नहाया और आपके पाप धुल जाएंगे, ठीक है, तो उसी तरीके से क्रिश्चियनिटी में ये मानते थे कि पोप की ब्लेसिंग्स ले लो, आप पर्ज हो जाओगे, आपके सारे पाप जो है वो माफ हो जाएंगे। ठीक है, और साथ में इसी बुक में उन्होंने ये भी मेंशन करा दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ द मैरिट्स ऑफ सेंट्स हैड नो फाउंडेशन इन द गॉस्पल, कि जो सेंट्स हैं उनके जो गॉस्पल्स हैं, ठीक है, उनमें भी कोई ज्यादा कोई मैरिट्स नहीं छुपे हुए हैं। सो किस बुक में मेंशन था ये? एब्सोल्युटली राइट, 95 थीसिस, मार्टिन लूथर का जो वर्क था। ठीक है, आपको देखो ये मैंने इसलिए क्वेश्चन ऐड किया ताकि आपको थोड़ी सी ये आइडिया भी मिल जाए कि मार्टिन लूथर ने अपने 95 थीसिस में एक्चुअल में लिखा क्या था। तो उन्होंने बेसिकली अपने इस 95 थीसिस में जो पैम्फलेट्स थे, एक तरह से ये करा था कि पोप की कोई अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 से पहले आपके लिए इंफॉर्मेशन, व्हाट्सएप ग्रुप से रिलेटेड, आपको अपना नाम और यूजीसी का सब्जेक्ट, जैसे हम यहाँ पे इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लिख के व्हाट्सएप कर देना है इनमें से किसी भी दो नंबर्स पे, एंड यू विल बी एडेड इन द फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वेयर यू विल बी गिवन द स्टडी मटेरियल रिलेटेड टू एनटीए यूजीसी नेट सब्जेक्ट। ओके, देन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। व्हिच वाज द फर्स्ट मेजर बुक टू फीचर एंड एट्रीब्यूट द वर्सेस ऑफ थॉमस वॉट प्रिंटेड 15 इयर्स आफ्टर हिज डेथ? देखो, हमने पहले बात करी थॉमस वॉट की इकलौती पोयम जो उनके डेथ से पहले पब्लिश हुई थी, दैट वॉज कोर्ट ऑफ वीनस, लेकिन कुछ उनकी पोयम्स उनके डेथ के बाद 15 इयर्स के बाद पब्लिश हुई थी, कौन सी बुक में? टोटल्स मिसलेनी, टाइटलर्स मिसलेनी, इट्स टोटल्स मिसलेनी और टोटल्स मिसलेनी। वेरी राइट सोनिया, एब्सोल्युटली राइट, इट्स T
COTTEL निर्मल। हरप्रीत इज ऑल्सो राइट, सपना वेरी राइट, ठीक है। ई एल, दैट इज द ओनली ट्विस्ट निर्मल। आई हैव प्लेड विद द स्पेलिंग्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, हु बिकेम प्रिंसेस एलिजाबेथ्स ट्यूटर इन ग्रीक एंड लैटिन? थॉमस ऑकलीफ, हेनरी हार्वर्ड, थॉमस वॉट और रोजर एस्चेम? नो नो वरीज निर्मल, नो वरीज बच्चे, ठीक है, बस ध्यान देना है। हाँ जी, प्रिंसेस एलिजाबेथ्स ट्यूटर इन ग्रीक एंड लैटिन, वेरी राइट सिमरन एंड हरप्रीत, सोनिया वेरी गुड, रोजर एस्चेम बिल्कुल सही। द स्कूल मास्टर, जिनका वर्क हमने कल पढ़ा, जिसमें उन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड थियोरी दी थी, है ना, जिसमें उन्होंने लैटिन कॉम्पोजिशन के बारे में बात करी थी, वेरी राइट सपना। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज बेस्ट नोन एज वन ऑफ द फर्स्ट प्रोपोनेंट्स ऑफ द यूज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज फॉर लिटरेरी पर्पजेज? किनको जो है जाना जाता है बेसिकली एज द फर्स्ट प्रोपोनेंट ऑफ द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर लिटरेरी पर्पजेज? लिटरेरी पर्पजेज के लिए पहली बार जिन्होंने इंग्लिश यूज करी, रोजर एस्चेम, थॉमस इलियट, थॉमस हॉकलीव और हेनरी हार्वर्ड? अरे वाह सिमरन, बिल्कुल सही, थॉमस हॉकलीव। यस, इंग्लिश लैंग्वेज को पहली बार, प्रोपोनेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यस इट्स थॉमस हॉकलीव, वेरी राइट। ओके, वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ईयर लूथर्स 95 थीसिस गॉट पब्लिश्ड? किस ईयर में लूथर के 95 थीसिस जो थे पब्लिश हुए थे? 1518, 1517, 1516 और 1515? लूथर्स 95 थीसिस गॉट पब्लिश इन विच ईयर दे गॉट पब्लिश्ड? यस, आई एम वेटिंग फॉर सम मोर आंसर्स। इट गॉट पब्लिश इन 1517, 17 में पब्लिश हुए थे, ठीक है जी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में ये दो तीन चीजें जो भी आपके क्वेश्चंस में आई हैं आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 21, हेनरी एट वॉज गिवन द टाइटल द डिफेंडर ऑफ फेथ, ठीक है। हेनरी एट ने आके, एलिजाबेथ ने भी आके जो है इन चीजों को काफी इजी कर दिया था कि अगर रिलीजन में ये हो रही है, प्रोटेस्टेंटिज्म बन गया था, एक सेक्ट जो है रिलीजन का, क्रिश्चियनिटी का, कैथलिक्स था, ठीक है, तो मतलब हर बंदा अपना फेथ फॉलो करे, लड़ाई झगड़े करने की जरूरत नहीं है इस चीज के लिए कि हम पोप को नहीं मानेंगे और उसको इंसल्ट कर रहे थे, ठीक है, या हम बाइबल की ही मानेंगे। तो ही वॉज बेसिकली गिवन द टाइटल द डिफेंडर ऑफ द फेथ इन विच ईयर? 1520, 21, 22 और 23? किस साल में हेनरी एट को डिफेंडर ऑफ द फेथ का खिताब दिया पोप ने? ही वॉज रेफर्ड टू एज द डिफेंडर ऑफ द पोप बाय ऑफ द फेथ बाय पोप इन द ईयर 1521। 1521 में था बच्चे, 1521 इट वॉज, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ईयर द अबॉलिशन ऑफ पोप्स अथॉरिटी टुक प्लेस? 1530, 32, 34 और 36? जब पोप की जो अथॉरिटी है उसको अबॉलिश करना शुरू कर दिया था, कि मतलब स्टेट विल बी डिफरेंट, राइट, स्टेट विल बी डिफरेंट, पॉलिटिक्स, स्टेट मींस पॉलिटिक्स विल बी डिफरेंट, पहले मिक्स कर दिया जाता था इनको, ठीक है, एंड रिलीजन विल बी डिफरेंट, कि जो स्टेट है वो रिलीजियस कामों में इंटरफेयर नहीं करेगी और जो पोप है वो पॉलिटिक्स में, ठीक है, स्टेट के कामों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो हिज अथॉरिटी वॉज अबॉलिश इन द ईयर 1536, राइट, 1536 में पूरी तरह से
पोप की अथॉरिटी को अबॉलिश कर दिया गया था. ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23. द समनिंग, इसको एक्चुअल में दिस इज हाउ इट इज रिटन, ठीक है, समनिंग. और इसको पहले इस तरीके से लिखा जाता था, द समनिंग ऑफ एवरी मैन इज अ लेट 15th सेंचुरी मोरालिटी प्ले, मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले और इंटरल्यूड. What kind of a play it is? Summoning of every man. अरे वाह निर्मल, सिमरन, very good. Both of you are correct. Yes, it is a morality play. The summoning of every man. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. सपना very right. Question number 24. Which morality play describes the whole ontology of man? Ontology मतलब कि कैसे इंसान की जो क्रिएशन हुई, ठीक है, ओपनिंग बिफोर हिज बर्थ एंड एंडिंग आफ्टर हिज डेथ एंड हिज जजमेंट बिफोर द थ्रोन ऑफ गॉड. किस मोरालिटी प्ले में ये सारी सिचुएशन को डिस्क्राइब करा गया है, वेयर इट टेल्स अस अबाउट द सिचुएशन बिफोर द बर्थ ऑफ ह्यूमंस, ऑफ मैन, एंडिंग आफ्टर हिज डेथ एंड हिज जजमेंट बिफोर द थ्रोन ऑफ गॉड. इज इट एवरी मैन, द कॉन्वर्सेशन ऑफ सेंट पॉल, The play of the sacrament or the castle of perseverance? हाँ जी, which is that play जिसमें जो है, which morality play आपके according किस morality play में जो है इस चीज के बारे में बात करी है? It is Castle of Perseverance, बच्चे, it's Castle of Perseverance. Castle of Perseverance में ये सारी सिचुएशन दिखाई है, ठीक है, प्रोग्रेशन इंसान की, ठीक है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, उसकी टेम्पटेशन के बारे में बताया है, सालवेशन के बारे में बात करी है, ठीक है, सब सिनेरियो दिखाया है, दैट बींग इन दिस वर्ल्ड, How the man is besieged, घेराबंदी करके रखते हैं, evils इंसान को जो है फंसा के रखते हैं, ठीक है, और फिर जब last time आता है judgment का, तो क्या judgment होती है उसकी, उसके sins के मुताबिक, right? चलिए, moving on to question number 25. Who is the writer of the most famous work, The Prince, brought him a reputation? Which brought him a reputation of as an atheist and an immoral cynic. Kiska work hai ye The Prince? Niccolo Machiavelli, John Skeleton, Roger Ascham or Thomas Watt? Very good Nirmal, yes, it's Niccolo Machiavelli. The Prince, it's by Niccolo Machiavelli. वेरी राइट सिमरन, एब्सोल्यूटली राइट सोनिया, दोनों तीनों आंसर्स बिल्कुल सही आपके. ओके, देन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26. विच टर्म इज यूज्ड टू डिनोट द प्रोसेस ऑफ बीइंग कनिंग एंड रूथलेस इन द परस्यूट ऑफ पावर? मार्लो ने भी यूज करे हैं ये वर्ड, मार्लो के हीरोज को भी बोल दिया जाता है, ठीक है, कि जो बहुत कनिंग हो जाता है, चलाक हो जाता है और रूथलेस, क्रूअल हो जाता है. हाँ जी, पावर पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है. वेरी वेरी गुड, इट्स मैकियावेलियन हीरो. तंबूरलेन को बोला जाता है ना, तंबूरलेन को बोला जाता है ना मैकियावेलियन हीरो. मार्लो का जो प्ले है तंबूरलेन द ग्रेट, कितना क्रूअल दिखाया गया है उसको, वो अपने बेटे तक को मार देता है ना. तो मैकियावेलियन हीरो इज द वन हु इज सो कनिंग एंड रूथलेस, बट वो पावर पाना चाहता है जैसे मर्जी. ओके, क्वेश्चन नंबर 27. विच इज द फर्स्ट ट्रेजेडी रिटन इन इंग्लिश? इजी क्वेश्चन, ग्रामर गर्टन्स नीडल, हैमलेट, गॉर्ब्यूडक और नन ऑफ दीज. Which is the first tragedy written in English? अरे वाह, मुझे पता था इसके सही जवाब आने वाले हैं सारे मेरे पास. गॉर्ब्यूडक, and yesterday I told you which is written by Sackville and Norton, Thomas Sackville and Norton, right?
और एक चीज मैंने और बताई थी कि जो फर्स्ट से लेके 3 एक्ट है वो सैकविल ने लिखा है, 4 से 5 जो एक्ट है वो नॉर्टन ने लिखा है, राइट? ओके, देन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. हु इज द राइटर ऑफ द एलेगोरिकल रोमांस द पास्ट टाइम ऑफ प्लेजर? एलेक्जेंडर बाकले, स्टीफन हॉज, जॉन लिडगेट और एडमंड स्पेंसर? राइटर ऑफ द पास्ट टाइम ऑफ प्लेजर, किसका वर्क है द पास्ट टाइम ऑफ प्लेजर? एलेक्जेंडर बाकले, स्टीफन हॉज, जॉन लिडगेट और एडमंड स्पेंसर? हां जी, वेटिंग फॉर योर आंसर्स. इट इज no, इट्स बाय स्टीफन हॉज. स्टीफन हॉज का वर्क है बच्चे द पास्ट टाइम ऑफ प्लेजर. द पास्ट टाइम ऑफ प्लेजर इज रिटन बाय स्टीफन हॉज. राइट, इट्स अ पोयम, इट्स अ लॉन्ग एलिगोरिकल पोयम बाय स्टीफन हॉज. चलिए क्वेश्चन नंबर 29. द ग्रेट वाउल शिफ्ट, अगेन जो एज ऑफ रिवाइवल का बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक रिवाइवल था, एक चेंज था, वह द ग्रेट वाउल शिफ्ट जिसको बोला जाता है, वॉज अ सीरीज ऑफ चेंजेस इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, और वो चेंज आज भी हम उसी तरीके से फॉलो कर रहे हैं. उस टाइम का चेंज हुआ, हमने अब तक उसको कुछ भी छेड़ा नहीं है. प्राइमरीली बिटवीन डैश बिगिनिंग इन सदर्न इंग्लैंड, कब से कब तक ये जो चेंज है वो चला था? शुरू हुआ था बिगिनिंग इन सदर्न इंग्लैंड एंड टुडे हैविंग इन्फ्लुएंस्ड इफेक्टिवली ऑल डायलेक्ट्स ऑफ इंग्लिश. यस, It started in 1400 and it ended in 1700. 1400 में शुरू हुआ था, 1700 में खत्म हुआ था बच्चे. ठीक है, मतलब पहले के टाइम पे what they used to do, very good सपना, absolutely right बच्चे. राइट, क्वेश्चन नंबर 30. थ्रू दिस वाउल शिफ्ट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ऑल मिडिल इंग्लिश डैश वाउल्स वॉज चेंज्ड. हां जी, कौन से वाउल्स को बेसिकली चेंज करा गया था जब ये ग्रेट वाउल शिफ्ट हुआ था? शॉर्ट वाउल्स को, लॉन्ग वाउल्स को, इम्प्योर वाउल्स, या ऑल ऑफ दीज? बेसिकली कौन से वाउल्स को जो है चेंज करा गया था? लॉन्ग वाउल्स को चेंज करा गया था. जैसे पहले के टाइम पे हाई को ही बोला जाता था, हाई को लॉन्ग जो है वाउल के साथ बोला जाता था. ठीक है, ये वाला वाउल आता था अगर आप लोगों ने लिंग्विस्टिक्स पढ़ी हुई है तो. बट अब के टाइम पे हम ये डिप्थोंग यूज करते हैं इसको प्रोनाउंस करने के लिए. वी प्रोनाउंस इट एज हाई, राइट? वी प्रोनाउंस इट एज हाई. राइट, इस तरह के कुछ चेंजेस आए, विल बी डिस्कसिंग विद यू व्हेन वी विल डू लिंग्विस्टिक्स. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 31. द ग्रेट वाउल शिफ्ट वाज फर्स्ट स्टडीड बाय डैश, अ डैनिश लिंग्विस्ट एंड एंग्लिसिस्ट हु कॉइंड द टर्म. ठीक है, दो चीजें देखो, ग्रेट वाउल शिफ्ट किसने स्टडी करा और ये टर्म को कॉइन किसने करा, दोनों चीजें, दोनों पर्सन एक ही. ठीक है, ऑटो जेस्परसन, एटो जेस्परसन, ऑटो जेस्परसन और ऑटो कैस्परसन. हु स्टडीड द ग्रेट वाउल शिफ्ट? हु स्टडीड द ग्रेट वाउल शिफ्ट? यस सिमरन, योर आंसर इज एब्सोल्यूटली राइट, इट्स ऑटो जेस्परसन.
I again confused you with the spellings only. It's Otto Jesperson. Remember this name. Question number 32. Which work is considered to be the first modern novel? I've asked you this question earlier. थोड़ा सा आज मैंने modify कर दिया बस. The Book of the Duchess, The Parliament of Fowls, The Canterbury Tales or Troilus and Cressid. हाँ जी, which book is considered to be the first modern novel? अरे मैं पहले पूछ चुकी हूँ. It's Troilus and Cressid. Novel in verse, हमने पढ़ा था ना, Novel in verse by Geoffrey Chaucer. आप लोगों ने फिर गलती कर दी. A novel in verse, very right Sapna. I think I told this. Mahipal is also right. मैंने बताई थी शायद ये बात पिछले किसी क्वेश्चन में मैंने डाली थी. चलिए क्वेश्चन नंबर 33. To whom? Yes, grandfather Sapna, not father, grandfather. The father of novel is Samuel Richardson. The father of English novel is Samuel Richardson. Chaucer was grandfather, was called grandfather. To whom the credit of commencing the English satire goes to? English satire ko start karne ka credit kise jata hai? Joseph Hall, Alexander Barclay, Stephen Hawes or John Skeleton. Great grandfather main Nirmal, great grandfather main. हाँ जी, इट इज जोसेफ हॉल. ठीक है निर्मल, जोसेफ हॉल इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट इंग्लिश सैटिरिस्ट. चलिए क्वेश्चन नंबर 34. हु इज द राइटर ऑफ द डेकामेरन लिटरली मीनिंग 10 डेज. आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ दिस वर्क. हाँ जी, डेकामेरन जोसेफ हॉल का है, जोवानी बोकैशियो का है, स्टीफन हॉज का है या थॉमस ऑकलीव का. लिटरली मीनिंग 10 डेज. हु इज द राइटर ऑफ डेकामेरन. इट इज वेरी राइट सोनिया, सिमरन, निर्मल, ऑल आर राइट, हरप्रीत, सपना. यस, इट्स जोवानी बोकैशियो. बिल्कुल सही, जियोवानी बोकैशियो का वर्क है द डेकामेरन. ऑल राइट, एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. हु इज द राइटर ऑफ द शिप ऑफ द फूल्स विच इज द ट्रांसलेशन ऑफ अ जर्मन वर्क. जॉन लिडगेट, थॉमस मोरे, विलियम कैक्सटन या अलेक्जेंडर बार्कले. यस राइट सिमरन, वेरी राइट, बोकैशियो से ही लिया है चौसर ने. एब्सोल्यूटली राइट, वेरी गुड बच्चे. हाँ जी, शिप ऑफ द फूल्स इज रिटन बाय जॉन लिडगेट, थॉमस मोरे, विलियम कैक्सटन और अलेक्जेंडर बार्कले. हरी अप, एंड इट्स द लास्ट क्वेश्चन, देन आई विल टेल यू व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर टुमारो. विच लेक्चर निर्मल, विच लेक्चर आर यू टॉकिंग अबाउट? बच्चे दीज आर अवेलेबल लाइव एंड इवन देन दे आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट, ऑन आवर यूट्यूब चैनल. इट्स अलेक्जेंडर बार्कले, वेरी राइट सिमरन, वेरी गुड बच्चे. यस महिपाल, ब्रिलियंट ऑफ यू ऑल्सो. ऑल राइट, सो टुमारो नाउ आवर एज ऑफ रिवाइवल इज डन विद. सो आई विल बी कमिंग विद क्वेश्चंस फ्रॉम एलिजाबेथन एज. ठीक है, and Elizabethan age starting with its historical background, right? I will ask you questions from the historical background of the Elizabethan age, the themes and styles that were famous, that were common during that age, right? Themes and styles that were common during that age. And then there will be questions from Edmund Spenser. These are the writers, the poets you have to prepare. Thomas Sackville, Sidney, who was Spencer's very close friend.
एंड माइकल ड्रेटन, राइट? दीज फोर पोएट्स, दीज आर द ओनली फोर पोएट्स फ्रॉम द एलिजाबेथन एज विच यू हैव टू प्रिपेयर, राइट? सो आई विल बी कमिंग विद द क्वेश्चंस. I will tell you, Nirmal will make a playlist of it and you will then find them easily. All right. And for any kind of information, you can contact on any of these two numbers. Do tell us this, which of you is interested in joining the UGCNET paid group. All right. So then we can plan it accordingly. हाँ जी महिपाल विल इन्फॉर्म यू बच्चे. सीक्वेंस में प्लेलिस्ट बना के आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, राइट? ओके ओके सिमरन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन. हैव अ वेरी गुड डे ऑल ऑफ यू. आई विल सी यू ऑल टुमारो एट द सेम टाइम एंड कीप टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्व्स.